नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत सहित दुनिया से जो भी छोटी से लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उन सभी खबरों के बारे में। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो 5 आई के ग्रुप से निकलकर आ रही है। 5 आईज के ग्रुप ने अब कहा है कि हमने चाइना के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी को और बढ़ाना होगा और इसके चलते चाइना के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं जो आज चाइना को घेरने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं उन्हें भी 5 आईज के ग्रुप में हम शामिल कर सकते हैं। और इसी के चलते उन्होंने अपनी बातचीत में अपनी बात रखी है। और इसी के साथ ही जो 5 आई का ग्रुप है उसने कहा है कि हमें जापान को भी चाइना को घेरने के लिए अब जापान को भी 5 आईज के ग्रुप में शामिल करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों जो 5 आईज का ग्रुप है उसने कहा है जो क्रिटिकल मिनरल्स जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनके जरिए आज मोबाइल फोन लैपटॉप टीवी और इसी के साथ ही जेट इंजन सैटेलाइट लेजर और मिसाइल में जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं ये इनकी डिपेंडेंसी भी हमें चाइना पर कम करनी होगी। हालांकि दोस्तों चाइना से आज रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में हम 90% से भी ज़्यादा पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। और इसी के चलते अब जो 5 आईज का ग्रुप है उसने कहा है कि हमें एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हालांकि जो ये रेयर एलिमेंट के जो ये मिनरल हैं वो आज चाइना के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में भी मौजूद है लेकिन कोई ऐसा देश प्रमुख नहीं है जहां पर सभी चीज़ें एक साथ मिलती हों। वो देश सिर्फ और सिर्फ चाइना था लेकिन चाइना के मामले में अब दुनिया एक हो रही है। तो इसी के चलते जिसके पास जो जो रेयर अर्थ एलिमेंट में वो माहिर है उसका सप्लाई वो पूरी दुनिया को करेगा। इसके चलते भी बातचीत 5 आईज के ग्रुप में हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों देखना होगा 5 आईज का ग्रुप चाइना को कितने बुरे तरीके से गिरता है और इसी के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए तैयारियां पूरी चल रही हैं और जापान को भी इसमें शामिल करने की बातें बोली जा रही हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है रशिया से। रशिया प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट अप्रूवल ऑफ ए COVID-19 वैक्सीन बाय mid-August बट कॉशंस रिमेंस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के पहले 2 फेज के ट्रायल को सफल माने जाने के बाद रशिया अब इतना एग्रेसिव हो चुका है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मिड अगस्त को तैयार करने के लिए वो बोल रहा है। और इसके लिए उसने ऐलान भी कर दिया है और उसने कहा है कि हम अपने पहले हर हेल्थ वर्करों को इसकी वैक्सीन देंगे, उसके बाद आर्मी और उसके बाद आम पब्लिक को हम वैक्सीन देंगे। लेकिन दोस्तों जो अभी इन्होंने रशिया की जो टीम है उसने करीब 40 बंदों के ऊपर टेस्ट किया था और इसके चलते वो इतना बड़ा दावा कर रहा है कि हम अपनी अगस्त में वैक्सीन निकाल देंगे। देखना होगा कि आखिरकार ये फेज कंप्लीट करती है और आखिरकार दवाई का पता तो असरदार तो तभी देखी जाएगी जब वो एक बड़े स्तर पर उसकी वैक्सीन का ट्रायल होकर वो सफल मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ जो अमेरिका है उसने मोडरेना को भी अभी हाल ही में फंडिंग की है और मोडरेना फेज 3 के ट्रायल में सबसे आगे चल रही है और रशिया से पहले अमेरिका दवाई बना लेगा ऐसा लग रहा है मोडरेना के जरिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है चाइना और रशिया के S-400 से। जी हाँ दोस्तों, चाइना को एक बार फिर से रशिया ने कहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार करना होगा S-400 की डिलीवरी के लिए। रशिया ने डिलीवरी की सस्पेंड कर दी है मिसाइल्स को लेकर। इसी के साथ ही जो एक जासूसी के केसेस हैं वो भी चाइना से लगातार जुड़ते आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो रशिया है आज बिल्कुल परेशान हो चुका है चाइना की एक इस तरह की अग्रेसिव नीति से कि आज चाइना जो भी रशिया चाइना को हथियार देता है उसका वो आज कॉपी बनाकर पूरी दुनिया को सप्लाई कर देता है। एयरक्राफ्ट का मामला हो चाहे S-400 का मामला हो, S-400 के मामले में S-300 का भी एक जो डुप्लीकेट वर्जन है वो चाइना ने तैयार कर लिया है और ये डुप्लीकेट वर्जन तो अब पाकिस्तान को देने की भी बातें चाइना कर रहा था, जिसके चलते अब रशिया ने समझ लिया है कि आखिरकार जो रशियन साइंटिस्ट हैं उनके तार भी आज चाइना के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और अगर रशिया ने चाइना को रोका नहीं तो बहुत जल्द रशिया की जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है वो चाइना ट्रांसफ़र हो जाएगी और रशिया बिल्कुल हाथ मलता रह जाएगा। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि रशिया की जो मेहनती वर्कर हैं, मेहनती साइंटिस्ट हैं, उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। और जो रशिया ने अपनी पिछले 50 सालों में उसने अपनी मिलिट्री के जगत में उपलब्धियां हासिल की हैं वो सभी उपलब्धियां खाक हो जाएंगी अगर जो पीपल लिबरेशन आर्मी है इसके जो एक सख्त साइंटिस्ट हैं वो खरीदने का काम जो पीपल लिबरेशन आर्मी कर रही है उसको अगर रोका ना गया तो। इसी के चलते दोस्तों चाइना के ऊपर जो S-400 की डिलीवरी है मिसाइल की, वो मिसाइल की डिलीवरी भी रोक दी गई है। हालांकि यूनिट भी अभी 2-3 यूनिट आए हैं लेकिन अभी रशिया ने यूनिट की सप्लाई भी रोक दी है।
हालांकि दोस्तों जो चाइना है वो लगातार अपने फेक मिलिट्री के एयरक्राफ्ट और फेक डिफेंस सिस्टम बनाने में बहुत माहिर है और इसी के चलते S-400 की कोई कॉपी चाइना बना सकता है, तो इसी के चलते रशिया ने इसे रोका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना आज पूरी दुनिया में इतना बदनाम हो चुका है कि पूरी दुनिया में कोई भी बड़ा देश रशिया को छोड़कर आज ऐसा नहीं है जो चाइना को अपना माल सप्लाई करे, चाहे वो यूरोप के देशों, चाहे इसराइल के देशों, चाहे अमेरिका के देशों। ये सभी तीनों बड़े देश आज चाइना को अपना हथियार देने से कुरेज करते हैं, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि चाइना आज नकली माल बनाने की मशीन तो है ही और इसी के साथ ही कॉपी करने में भी बहुत माहिर है। और ये बात अब रशिया को समझ आ रही है जब रशिया ने अपनी महत्वपूर्ण फाइटर जेटों की जो एक सेल है चाइना को की और इसी सेल के बाद चाइना ने उनके फेक वर्जन तैयार किए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी ने अपनी चाइना को घेरने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली और इंडियन ओशंस ने भारतीय सेना ने अपनी नेवी की तैयारी पूरी कर ली और अपने नेवी के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको तैनात कर दिया गया है और इसी के साथ ही नेवल शिप्स भी अब इंडियन पैसिफिक ओशन में तैनात कर दी गई है ताकि चाइना को किसी भी तरीके से बख्शा ना जाए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो तुर्की और ग्रीस से। तुर्की सस्पेंड ऑयल ड्रिलिंग इन मेडिटेरेनियन एज गुडविल गेस्चर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में हमने आपको कहा था कि ग्रीस और तुर्की के बीच में रिश्ते खट्टे हुए थे हागिया सोफिया को लेकर और उसी के चलते ग्रीस ने अभी प्रोटेस्ट भी किया था तुर्की के खिलाफ और इसी के चलते तुर्की भी लगातार ग्रीस के ऊपर अड़ा हुआ था, लेकिन इसी के साथ ही ग्रीस के पानी में वो तेल ढूंढ रहा था और इसी के चलते ये जो शिप देख रहे हैं ना आप, ये शिप के जरिए वो ऑयल निकालने के लिए ग्रीस के पानी में चला गया था और इसी के चलते अब जब अमेरिका ने तुर्की का विरोध किया और इसी के साथ हागिया सोफिया पर ग्रीस ने अपना मोर्चा छेड़ रखा है, उसी के चलते भी जो तुर्की है अब वहाँ से उल्टे पैर लौट आया है और अब ये शिप तुर्की की ओर रवाना हो रहा है ताकि ग्रीस के अंदर जो तेल ढूंढने की ये कवायद ये कर रहा था शिप वो अब वापस आएगा। हालांकि दोस्तों ये शिप इसलिए भी वापस भेजा गया है क्योंकि आर्मेनिया अज़रबैजान के साथ साथ जो तुर्की के रिश्ते हैं अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ ख़राब होते जा रहे हैं, इसी के चलते ग्रीस से और रिश्ता ख़राब ना हो इसी के चलते ये तुर्की गुड गेस्चर के रूप में अपना ये ऑयल ड्रिलिंग का जो काम है मेडिटेरेनियन सी में उसे वापस ले रहा है और अपने घर वापस ये शिप लौट रहा है। हालांकि तुर्की की खलीफागिरी आज रुकी नहीं है और लगातार तुर्की अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो जर्मनी से। जर्मनी रिजेक्टेड ट्रंप बिड टू ब्रिंग रशिया बैक इनटू G7। जी हाँ दोस्तों, G7 में भारत और रूस की एंट्री नहीं होगी। हालांकि पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि हमें G7 को और बड़ा ग्रुप बनाना है, G11 और G12 में बदलना है, इसके लिए जापान, रूस, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े बड़े देशों की हमें इसमें एंट्री दोबारा करवानी होगी ताकि चाइना को घेरा जा सके। लेकिन दोस्तों जर्मनी ने आखिरकार टांग अपनी अड़ा ही दी है और भारत और रूस की एंट्री और जापान की एंट्री को इसने बिल्कुल सिरे से नकार दिया और इसने कहा है कि आखिरकार 2014 में हमने रूस को इसलिए निकाला था क्योंकि क्रीमिया में उसने कब्जा किया था, लेकिन आज रूस उन्हीं आदतों से रुका नहीं है और आज भी सीरिया और लीबिया में लगातार उसके जो धंधे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ ही अगर भारत और दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों को एंट्री करने की बात है तो आखिरकार हम क्यों उन देशों को एंट्री करें, क्योंकि G7 के जैसा ही एक सेंसिटिव ग्रुप है G20, उसमें सभी ये बड़े देश हैं और आखिरकार G7 में इन देशों की एंट्री हो जाती है तो फिर आखिरकार G20 देशों का क्या अस्तित्व रह जाएगा, जिसके चलते भारत, दक्षिण कोरिया और इसी के साथ जापान की एंट्री को भी जर्मनी ने रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि जर्मनी का ये मूव चाइना और रशिया के खिलाफ एक गुड गेस्चर के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन जर्मनी ये नहीं जानता जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, जर्मनी न्यू टारगेट फॉर चाइनीज एंड रशियन इंटरफेरेंस रिपोर्ट वांस। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी भले ही आज G7 के ग्रुप में रशिया और भारत को शामिल ना करे, लेकिन यही रशिया आज जर्मनी की जड़ें खोद रहा है, क्योंकि दोस्तों जर्मनी में आज चीन की कंपनियां और रशिया की कंपनियां अब अपना पैठ बना रही हैं। हालांकि जो जर्मनी में कंपनियां हैं वो चीन की कंपनियां बहुत हैं, जर्मनी की रशिया की तो बहुत कम है, चीन की कंपनियां जर्मनी में बहुत हैं और इसी के साथ जो रशिया है और इसी के साथ जो चाइना है दोनों ही हैकिंग अब जर्मनी की कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आखिरकार जर्मनी जाएगा तो जाएगा कहाँ, अमेरिका से उसके रिश्ते खट्टे हैं, 10,000 सैनिक अमेरिका ने निकाल लिया जर्मनी से और इसी का और इशारा कर रहे हैं कि जर्मनी को अब डरने की ज़रूरत है इन दोनों देशों से। चाइना और रशिया एक दूसरे की मदद करना जानते हैं और इसी के साथ जर्मनी को घेरने के लिए रशिया बहुत कोशिशें भी कर रहा है और दोस्तों जर्मनी World War II में बहुत ताकतवर बन गया था और इसी के चलते आज वो जो World War II में उसने गलती की थी, गलत ताकतों के साथ वो जर्मनी खड़ा था, आज भी गलत ताकतों के साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यही ताकतें
जर्मनी में बहुत बड़ी हैकिंग कर रही हैं। हालांकि जो ये रशिया है, रशिया तो जर्मनी के एंजेला मार्केल चांसलर हैं, जो इनके ऑफिस तक की हैकिंग रशिया ने की हुई है, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि जर्मनी के जड़ों जड़ों में आज रशिया और चीन का वास हो चुका है। लेकिन फिर भी जर्मनी आज इन्हीं ताकतों का साथ दे रहा है, G7 जैसे बड़े ग्रुप में भारत को एंट्री ना दिलवाकर। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है राफेल से, 5 राफेल विमान जो कल रात UAE अल दाफरा एयरवेज में तैनात किए गए थे, वहां पर ईरान की मिसाइलों ने बिल्कुल स्केयरिंग हमला कर दिया। हालांकि अमेरिकी मीडिया के द्वारा ये रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की मिसाइलें UAE के अल दाफरा एयरबेस में आई थी और अल दाफरा एयरबेस के पास से ही गुजरी थी, और इसी अल दाफरा एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी और फ्रांस की सेना भी तैनात होने के साथ साथ राफेल फाइटर जेट भी यहाँ पर तैनात थे। हालांकि भारत के ये 5 राफेल फाइटर जेट आज बिल्कुल खतरे के निशान पर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो ईरानियन मिसाइल हैं वो इसके बहुत क्लोज आ गई थी। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही जो अब जो एक सिक्योरिटी को लेकर मेजर्स हैं वो भी देखे जा रहे हैं कि आखिरकार ईरान ने ये मिसाइलें अमेरिका को चेतावनी देने के लिए भेजी है, या फिर चीन के कहने पर भारत के राफेल की ओर ये एक इशारा करने के लिए ईरान ने ये मिसाइलें भेजी हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, 200 से भी ज़्यादा मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट अब 14,000 अमेरिकी लोकेशंस में बंद किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 14,000 से भी ज़्यादा मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट है, और इनमें से 200 मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद किए जाएंगे। हालांकि जो ऑपरेशनल हैं मैकडोनल्ड के, अभी पूरी दुनिया में करीब 30,000 के से ज़्यादा रेस्टोरेंट ऑपरेशनल हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो अब 200 रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान मैकडोनल्ड ने कर दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चाइना और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। कल ही दोस्तों पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और नेपाल ने 4 कंट्री के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग की थी। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें कोरोना था। लेकिन इस मीटिंग में जो चाइना है उसने कहा था कि हम पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में ले जाना चाहते हैं, और नेपाल और अफगानिस्तान को भी आयरन ब्रदर बनकर रहना चाहिए और चाइना का साथ देना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये मीटिंग रातों रात हुई है, और इसी के चलते जो चाइना है वो यही संदेश देना चाहता है कि पाकिस्तान, चाइना आज जिस तरह से एक बड़े देश बने हैं, उसी तरह से चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल भी बड़े देश बन सकते हैं चाइना की इन्वेस्टमेंट को अपने देश में एंट्री देकर। हालांकि आज पाकिस्तान कितना लाचार हो गया है ये पूरी दुनिया जानती है, और इसी के चलते अफगानिस्तान और नेपाल पर भी डोरा डालने की कोशिश चाइना के विदेश मंत्री कर रहा है, और ये चारों ही देश भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, जिसके चलते भारत पर दबाव डालने की कोशिश चाइना के विदेश मंत्री ने की है। हालांकि चाइना के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने सभी लोकेशन पर डिसएंगेजमेंट कर दी है, लेकिन असल में ये बात है कि चाइना के विदेश मंत्री का भी बयान भारतीय एनवॉय ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो चाइना कह रहा है कि उसने हर लोकेशन पर आज डिसएंगेजमेंट कर दी है वो बिल्कुल झूठी है, जबकि असल बात तो यह है कि चाइना के सैनिक अभी भी तैनात हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान के नवाज शरीफ से। जी हाँ दोस्तों, नवाज शरीफ जो कि पिछले 3-4 महीनों से अभी पाकिस्तान से फरार चल रहे हैं, हालांकि इलाज करवाने ये लंदन गए थे, और लंदन में जब कोरोना वायरस का केसेस सामने आने लगे तो ये वहीं हैं, और अब नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान लौट ही नहीं सकते, क्योंकि अब पाकिस्तान कोर्ट को उन्होंने ये बयान दे दिया है। नवाज शरीफ UK के लिए नवंबर महीने में गए थे, और इसी के चलते लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ 4 हफ्तों का समय दिया था। लेकिन दोस्तों आज हफ्ते तो क्या बीत गए हैं, लेकिन आज 8-9 महीने का समय बीतने वाला है, जिसके चलते नवाज शरीफ लगातार फरार चल रहे हैं। लेकिन वो अब इस पाकिस्तान की जेल में नहीं रह सकते, और इसी के चलते वो अब UK में अपना एक बेहतरीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वहाँ पर वे अपने इलाज भी करवा रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में दरिंदगी देखी गई है। 15 ईयर एक बच्चे ने एक बिल्ली का गैंग रेप कर दिया है अपने साथियों के साथ मिलकर, और इस बिल्ली की मौत हो गई है। ये लाहौर की खबर निकल कर सामने आई है। हालांकि वहाँ के मौलवी आज इतने क्रूर हो चुके हैं कि वो अपने अब यूथ को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, जिस कारण से एक 15 साल के बच्चे ने पाकिस्तान में इस तरह का जघन कृत्य किया है। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो कोरोना वायरस दुनिया में। इटली ने लॉकडाउन 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। चीन में 3 महीने बाद सबसे ज्यादा मामले दिखाई दिए हैं। दुनिया में 1.68 करोड़ संक्रमित दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 44 लाख से ज़्यादा केसों की संख्या हो चुकी है, 45 लाख होने वाली है, 1,52,000 मौतें हो चुकी हैं, और इसी के साथ ही ब्राज़ील में 25 लाख, भारत में 15 लाख केसेस सामने आ चुके हैं।
और दोस्तों इसी के साथ तुर्की में 963 मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ ही जो इसराइल है, इसराइल में भी केसेस पिछले 24 घंटों में बढ़ने लगे हैं। 2308 नए मामले सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध हो रहा है। और इसी के साथ चाइना में भी पिछले 24 घंटों में 101 केस रजिस्टर किया गया है। चल वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।